सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में एंड वेलकम बैक ऑन योर चैनल पर मैन फैक्ट्स किंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 6 के बारे में। एंड सॉरी फॉर लेट, वीडियो को ज़्यादा लेट हो चुकी है मैं जानता हूँ। तो बिना देरी करेंगे नहीं, आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस पार्ट के लिए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, आपने जैसा कि पिछले पार्ट में देखा ही था कि कैसे परमैन सुमीर से मिलता है, और इस तरीके से मिलता है जिससे कि वो सुमीर को बचाते बचाते खुद उस मुसीबत में फंस जाता है। अब इस पार्ट में पता चलेगा कि आगे क्या होता है, क्या सुमीर परमैन को बचा पाएगी। तो और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप ये पार्ट देख रहे हो तो यार इससे पिछले वाले पार्ट भी देख लेना, ताकि आपको ये पार्ट कन्फर्म हो जाए। और हाँ, जहाँ तक बात रही रोबोट की, एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि भाई जो रोबोट्स हैं वो परमैन ने दिए तो होंगे, जो परमैन सर दिया था और उनके बारे में बताया होगा। तो भाई रोबोट के बारे में आपको इस एपिसोड में पता चल जाएगा। उसमें वीडियो बनाने वाला था लेकिन इसने पहले क्वेश्चन पूछ दिया, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन दबाओ और शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। एंड लेट्स इंट्रो। ये क्या हो गया परमैन? अब आप सोचोगे कि सुमीर को कैसे पता कि परमैन है। बर्डमैन ने, जो बर्डमैन था उसने पहले खुद ही कहा था सुमीर को सेट देते वक्त कि मैं और भी परमैन्स बनाऊंगा, जिससे कि उसे पता था कि जो बर्डमैन सुपर हीरो बना रहे हैं वो परमैन के रूप में, परमैन के नाम से जाने जाएंगे। इसलिए उसे पता था कि ये परमैन वो परमैन है जो कि बर्डमैन ने उसे बनाया है। अब वो बोलती है कि उस क्राउड की बात सच थी, उसने और कोई परमैन बनाया है बिल्कुल मेरी तरह। अब मैं क्या करूँ, मैं, अरे डरो मत मैं आ रही हूँ। और ऐसा कह के वो सुमीरे वहाँ से सीधा समुद्र में, समुद्र के पानी के अंदर चली जाती है। लेकिन वो जब वो समुद्र के पानी के अंदर जाती है तो वो उसे ऑक्सीजन बिल्कुल आ नहीं रही होती है, और वो ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रह पाती और बाहर जाती है, और हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही होती है जिससे कि समुद्र का पानी एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे ही चल रहा होता है, और तेज लहरें उठ रही होती हैं जिससे कि सुमीरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और फिर वो वापस हवा में जाती है और बोलती है कि अरे नहीं, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे अब उसका क्या होगा, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। अब तभी नीचे का सीन आता है समुद्र के अंदर का। अब परमैन देखता है कि ऊपर कोई खड़ा है और उसे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। अब परमैन वहीं पे, मतलब एकदम उसके ठीक नीचे होता है, पाखों के नीचे ठीक परमैन होता है। अब परमैन उसे देख ही रहा होता है, वो धुंधला धुंधला सा उसे पानी से कुछ दिख रहा होता है। वो बोलता है, वो कुछ ऐसे बोलता है कि मुझे तुम कौन हो। फिर अब इतना ही कह के उसकी आंख बंद हो जाती है। अब पाको को दिखाया जाता है, पाको बोलती है कि अरे नहीं, अब मैं क्या करूं। अब बाकी सब लोग तो बच जाते हैं लेकिन पाको अभी भी वहीं पे फंसी होती है। लहरें बहुत ज़्यादा तेज होती हैं जिससे कि वो शिप बिल्कुल टूट जाता है। और अब आप सोचोगे कि बाकी सारे लोग बच कैसे गए। बाकी सारे लोगों को बचाने के लिए वहाँ पे जो बचाने वाले आते हैं शिप से, मतलब जो हेल्पर्स आते हैं लोगों को बचाने के लिए, वो आ जाते हैं और वो ले जाते हैं उनको। और वो सब लोग पाको का थैंक्स कहते हैं और उसे खुदा का फरिश्ता मानते हैं, या ईश्वर के, ईश्वर का फरिश्ता समझ के उसे, उन्हें लगता है कि ऐसा सच में होता नहीं, ईश्वर ने इसे हमारे लिए भेजा था। वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं और वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारी जान बच गई। अब
ना सीन में दिखाया जाता है पाको का सीन। पाको अब उसे आवाज़ लगाई जा रही होती है और वो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा होता है। पाको का हाल भी बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। अब बहुत देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो लहरें होती हैं अब वो शांत हो जाती है। पूरा मौसम भी, अब जो काले बादल होते हैं वो भी चले जाते हैं। पूरा मौसम एकदम क्लियर हो जाता है और सब जगह शांति हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई जंग हुई है और जंग के बाद जो सीन क्रिएट होता है वैसे ही सीन यहाँ पे क्रिएट हुआ है और यहाँ पे एकदम शांत हो जाता है। और पाको बहुत ज़्यादा थक जाती है और थक के वो समुद्र के जो थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा ऊपर वहीं पे खड़ी होती है और वो बोलती है कि आज मेरी वजह से किसी की जान चले गई, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। क्या ये सब मेरी वजह से ही हुआ है? हाँ, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। वो अपने आप में बातें कर रही होती है और वो बोलती है कि अगर तुम थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहती तो शायद वो बच जाता। और वो दूसरी तरफ बोलती है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, अगर उसने मुझे बचाया भी है तो मैं उसे थैंक्स भी बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसे थैंक्स कैसे बोलूँगी। पाको के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो अपने आप को कोस रही होती है और ऐसी बातें कर रही होती है। तभी वो बोलती है कि अब मुझे जाना होगा। अब वो ऐसे करके वो थोड़ा उठने ही वाली होती है तभी अचानक से उसका एक्सप्रेशन एकदम बदल जाता है और ऐसा लगता है कि मानो जैसे उसे किसी ने रोक दिया हो। अब सीन चेंज होता है यहीं से। अब दिखाया जाता है एक बच्चे को जो कि वो सामने खेलते बच्चों को देखकर अपना बचपन याद करता है और वो बोलता है कि अगर मैं भी छोटा होता तो मैं भी ऐसे खेलता, और हाँ मैं खेलता भी था जब मैं छोटा था बहुत, लेकिन अब कहाँ, अब मैं तो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाता। वो बोलता है कि किस लाइफ कितनी अच्छी होती है और कितनी हंसमुख होती है, ऐसे वो किस के बारे में बता रहा होता है। तभी वो खड़ा होता है और बगल में से आवाज़ आती है, मतलब उसके जस्ट साइड की गली में से मतलब एक इंसान भाग रहा होता है। और वो बच्चा जो ऐसी बातें कर रहा होता है तभी वो अपने मास्क पहनता है और उड़ जाता है अचानक से। अब वो चोर सामने की तरफ भाग रहा होता है। अब वो चोर के हाथ में एक पिस्तल होती है जो कि उसने अपने आप को सेफ्टी के लिए रख रखी होती है। अब वो एक जगह पे जाता है जहाँ पे उसका बेसमेंट होता है और जहाँ पे जाके वो रुक जाता है। पुलिस वाले उसके पीछे आते हैं, पुलिसमैन उसको घेर लेते हैं और बोलते हैं पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। जिसके रिप्लाई में वो चोर कहता है कि नहीं यार तुम गलत समझ रहे हो, मैंने सरेंडर कर दिया है। वो बोलता है अच्छा तो ठीक है अपने हाथ ऊपर करो। वो अपने हाथ ऊपर करता है और तभी वो हंसता है। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये क्या होने वाला है। वो बोलते हैं कि सब सावधान रहना, ये जरूर कोई इसकी साजिश है। वो चोर बोलता है समझदार हो, और ऐसा करके वो अपनी जो मिडिल फिंगर होती है उसको थोड़ा डाउन कर देता है। अब जैसे ही वो डाउन करता है पीछे से एक जोर की शॉट की आवाज़ आती है जिससे सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है दूसरे पुलिसमैन को जो कि दूसरे सीन में वो एकदम फ्लैट ज़मीन पे पड़ा होता है और चारों तरफ खून ही खून होता है और वो सूट उसके पार्टनर्स ने किया होता है, पार्टनर में से एक किसी ने किया होता है। अब वो सारे पार्टनर्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और बोलते हैं कि अपने सारे वेपन्स फेंक दो नहीं तो हम सबको उड़ा देंगे जैसे कि हमने इसको उड़ाया था। वो पुलिस वाला जिसको शूट करा गया था वो इतनी बुरी हालत में होता है और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है और वो देखता है कि उसके सारे पुलिस ऑफिसर्स जो उसके पार्टनर्स हैं वो सारे घेर लिए गए हैं और वो हारने की कगार पे हैं। वो बोलता है उस चोर से कि तुम नहीं बचोगे, चाहे तुम कितना भी भाग लो एक दिन तुम्हें जेल होगी और वो होके रहेगी, तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम जेल से नहीं बच सकते। तभी वो चोर उस पर
हंसता है और बोलता है, लगता है तुमको मरने से डर नहीं लगता, तभी तुम मेरे सामने ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। पुलिस वाला बोलता है, वो पुलिसमैन होता है, वो बोलता है कि नहीं मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन तुम जैसे चोरों को पकड़ने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब वो चोर बोलता है, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। अब वो उसके हेड पर गोली जो गन होता है उसे पॉइंट करता है और तभी बोलता है, थ्री, अगर तुमने मुझे ऐसा नहीं करने को मजबूर किया होता तो मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया और तुम्हें अब इस दुनिया से जाना होगा। इसमें और वो चोर बोलता है, थ्री, उसका पार्टनर बोलता है, टू, और फिर वो बोलता है, वन, और तभी एक शॉट की आवाज़ आती है जिससे बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है और तभी सीन चेंज हो जाता है और दिखाया जाता है पाको का सीन। अब पाको का जब पाको देखती है और एकदम घबरा जाती है कि ये ऐसा क्या हो गया। अब जब वो नीचे देखती है कि उसे और तो उसे दिखता है कि एक हाथ है जिसने उसका पैर पकड़ रखा है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है पर डर के मारे वहाँ से जा रही होती है। तभी वहाँ से एक उसका फेस निकलता है और वो कोई और नहीं परमैन होता है और वो कहता है, हेल्प मी, मुझे बचाओ, और इतना कह के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब पाको बोलती है कि ये तो वही है। अब उसे याद आता है कि उसने उसे बचाया था। अब वो उसको पकड़ती है और एक जगह पर ले जाती है और वो उसे उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो सोचती है कि कहीं इसकी डेथ तो नहीं हो गई। और तभी वो अपने जो हेड है उसको उसके चेस्ट पर लगा के देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी हार्ट भी चल रही है, वो अब भी अलाइव है। तो अब वो सोचती है कहीं इसके अंदर वाटर चला गया है जिसके कारण ये बेहोश है और कुछ कह भी नहीं पा रहा। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और वही सीन दिखाया जाता है जो पहले दिखाया गया था। अब जोर से आवाज़ आई होती है और तभी हम नीचे की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक बंदे ने उसकी जो गोली का पॉइंट था उसके आगे एक बैच टैग का कुछ रख दिया है जिससे कि गोली रुक गई है। और तभी वो देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक परमैन होता है जो कि हाल ही में बना है। अब उसे पता नहीं था कि ये कौन है। वो बोलता है कि तुम कौन हो और तुमने मेरे काम के बीच दखलअंदाजी कैसे की। वो उसे गोली गन शूट करता है लेकिन पायन इतने तेज होता है कि उसे डॉच कर लेता है। अब वो बंदा उसे बाबा गोली मार रहा होता है लेकिन वो उसे सबसे गोली को डॉच कर लेता है। अब उस एक जो उसका क्रिमिनल का जो पार्टनर होता है वो आ रहा होता है और वो पायन उसको पीछे घूमकर एक पंच देता है जिससे कि एक पंच में ही वो बेहोश हो जाता है। अब सारे पार्टनर्स उसके जो होते हैं वो मिलके मार रहे होते हैं लेकिन एक भी सारे नाकामयाब जाते हैं। पायन सबको हरा देता है और हराते वक्त वो क्रिमिनल को एक ही पंच में बेहोश कर रहा होता है। अब जा रहे पुलिस वाले जो पुलिसमैन होते हैं वो उसे देख रहे होते हैं और थोड़ा खुश हो रहे होते हैं और थोड़ा चौंक रहे होते हैं कि ऐसे भी कोई शख्स है जो कि फ्लैग कर रहा है और उनने ये सब चीज़ पहली बार देखी होती है तो उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता। अब लड़ते वक्त वो जो क्रिमिनल्स होता है जो बॉस होता है क्रिमिनल का वो जब पायन नीचे उतरता है तो अचानक से वो अपने पैर से पायन को गिरा देता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है और गन पॉइंट करते वक्त वो बोलता है कि बहुत हो गया बच्चे और वो ऐसा कह के गन चला देता है और तभी गन चलती है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि गन है ही नहीं क्योंकि सारी गन्स उसने पहली शॉट्स में उड़ा दी हैं और उसके पास और कोई गन भी नहीं बची। पायन जल्दी से इस मौके का फ़ायदा उठाता है और उसे एक किक मारता है जिससे कि वो गिर जाता है। वो क्रिमिनल बहुत ज़्यादा डर रहा होता है उससे और वो पीछे हट रहा होता है तभी पीछे से एक पुलिस ऑफिसर उसको
गिरफ्तार कर लेता है। एंड फिर एपिसोड की लास्ट में सीन चेंज होता है जिसमें दिखाया जाता है सुमेरे को, और सुमेरे के सीन में अब सुमेरे सारे पैतरे आजमा चुकी होती है, जो सारे तरीके होते हैं मिस्टर को नींद से जगाने के, बेहोशी से जगाने के, वो सारे जो ट्राई कर चुकी होती है। और एंड में हारने के बाद सुमेरे देखती है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स में वाटर चला गया है। तो अब आगे कुछ ऐसा कुछ होता है। बीत देने के बाद तभी परमैन थोड़ा हिलने लगता है, जिससे पाको को लगता है कि चलो ये काम कर गया। लेकिन तभी पाको बोलती है कि अब मुझे जल्दी जाना होगा इससे पहले कि मेरा राज खुल जाए। अब जैसी वो उठ रही होती है तभी परमैन की जो आईज है वो अचानक से खुल जाती है और वो बोलता है कि तुम कौन हो। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और कैसा लगा आपको एपिसोड? एंड यार ये जो न्यू मेंबर है वो कौन है, आपको इसका जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए यार ऐसी परमैन को सपोर्ट करते रहो, परमैन देखते रहो, परमैन के ट्वीट्स करते रहो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एंड जो रोबोट वाला कॉन्सेप्ट था वो शायद इस वीडियो में नहीं आ पाया, क्योंकि अगर उसको लाता तो ये वीडियो शायद 30-30 मिनट की पहुँच जाती, जो कि फिर यार भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती इससे। तो मैंने उसको हटा दिया, उसको अगले पार्ट में लाऊंगा। और यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे सपोर्ट करो। और परमैन को रोज़ देखा करो, मार्वल एचक्यू पे आता है। एंड टाइम अभी मुझे इतना सही से पता नहीं है, लेकिन आता है मार्वल एचक्यू और डिज्नी पे भी आ रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय परमैन फ्रेंड्स।